क्या रोबोट 3.2 में नहीं होगा चिट्टी? क्या बदला जाएगा फिल्म का मेन किरदार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। शंकर की एन थी रन ने पहली बार साल 2010 में इंडियन ऑडियंस को फुल पैक साई फाई फिल्म से इंट्रोड्यूस कराया था। डाब डास रोबोट इस फिल्म ने एज, लैंग्वेज, फिजियोग्राफी के सभी डिफरेंसेस को पार कर पूरी इंडिया को चिट्टी रोबोट के रूप में तोहफा दिया था। दोस्तों ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे जितना देखो कम है। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि फिर ऐसी फिल्म बन पाएगी, लेकिन डायरेक्टर शंकर ने दोबारा दाव खेला, वो भी मास्टर कार्ड अक्षय कुमार के साथ, जिनके फर्स्ट लुक ने ही पूरे रोबोट 2.0 की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और एक बार फिर रोबोट का जादू सबके ऊपर चढ़कर बोला। अब चाहे क्रिटिसिज्म हो या फिर एप्रिसिएशन, सबकी जुबान पर एक ही नाम था, 2.0। एक बार फिर शंकर सबके दिमाग को काबू में करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं दोस्तों अपनी रोबोट 3.0 के साथ। लेकिन इस फिल्म की चर्चा शुरू कहाँ से हुई, ये एक पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों दरअसल 2.0 की स्क्रीनिंग के समय ही शंकर ने बताया था कि उनके पास रोबोट 3.0 के लिए आइडिया है। हालांकि वो ये फिल्म तभी बनाएंगे अगर उन्हें इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रांग कहानी मिल जाए, लेकिन कहना होगा कि अपने इस आइडिया की झलक दिखाने और इस पर एक्सपेरिमेंट करने में शंकर ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। जी हाँ दोस्तों, शंकर ने रोबोट 3.0 का हिंट उनकी आखिरी फिल्म में ही दे दिया, जिसे ऑडियंस ने बेहद पसंद नहीं किया। तो दोस्तों फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में हमें चिट्टी के मॉडिफाइड वर्जन के रूप में 3.0 देखने को मिलती है, जो अपने मन मुताबिक अपना साइज बदल सकते हैं। तो दोस्तों कई सारे चिट्टी रोबोट्स का यूं पक्षी राजन के बर्ड्स पर सवारी करते हुए ये सीन ही फिल्म का शो स्टीलर बन गया था और दोस्तों फैंस ने रजनीकांत के इस नए अवतार का खुले दिल से स्वागत किया। तो दोस्तों बता दें कि इस सीन को अक्षय ने ट्विटर पर 3.0 इन 2.0 बोलकर प्रमोट किया था और दोस्तों तब से अब तक शंकर ने अपकमिंग फिल्म का नाम 3.0 ही बताया है। तो दोस्तों क्या ये एक हिंट था चिट्टी 3.0 के वर्जन का? खबरें तो यही बयां कर रही हैं और हो सकता है कि इन साइज चेंजिंग रोबोट्स का अपकमिंग फिल्म में नाम चिट्टी नहीं बल्कि कुट्टी हो। हालांकि दोस्तों अभी तक शंकर ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, तो क्या यही वर्जन फाइनल रहेगा या इसमें कुछ बदलाव आएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप हमें जल्दी से कॉमेंट्स में बताइए कि आप इन मिनी चिट्टीज की कहानी देखना चाहते हैं, और अगर हाँ तो आप हमें जल्दी से बताइए कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारी आज की राइटर है उपासना पांडे।